राजगढ़ विधानसभा से अगर भाजपा पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार मानते हैं और क्या स्थिति रहेगी आपकी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे 2023 में उम्मीदवार बनाती है तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार से हम पूरी ताकत के साथ लड़के और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र की, जब मालवा की बात होती है तो मालवा का राजगढ़ जिला और राजगढ़ जिला अपने आप में चर्चित है क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है। और राजगढ़ विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2023 में तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं, सब नेताओं से हम संपर्क भी कर रहे हैं, सबके इंटरव्यू भी ले रहे हैं। देखना होगा 2023 में भारतीय जनता पार्टी किन नेताओं पर दाव खेलती है राजगढ़ विधानसभा सीट से। रमेश तिवारी हमारे साथ हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में तमाम उस पर रहे, काम भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, किसान मोर्चा में जिला महामंत्री भी रहे, तो काफी धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते हुए आज जिला पंचायत सदस्य तक पहुंचे हैं। अब देखना होगा 2023 में ये शख्स विधानसभा की दावेदारी भी कर रहा है, क्षेत्र में जा भी रहा है, क्षेत्र में तमाम जो जनप्रति नेताओं के साथ साथ अपनी भागादौड़ी में लगे हैं। राजधानी समाचार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, मैं रमेश तंवर, ये राजगढ़ विधानसभा से मेरा ये तंवरवार एरिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी निष्ठावान पार्टी मानता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी वो में हम सहमत है और बाकी की जो योजना है राजगढ़ विधानसभा की, मोहनपुरा डैम बना है और अनेक हर खेतों में नहर पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और हर घर में नल पहुंचाने का काम किया है। ये सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की है। हर गांव में सड़क पहुंचाई, ये डामरीकरण से जोड़ने का काम किया है, इसे अनेक काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है, वो सिपाही है, जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य है। 2023 का जो चुनाव है, 2023 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? तमाम नेता दावेदारी कर रहे, क्षेत्र में भी जा रहे, आप भी जा रहे, जनता के बीच भी जा रहे, क्या आशा और क्या उम्मीद के साथ आप विधानसभा में घूम रहे हैं? 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमारी केंद्र मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी का नेतृत्व में काफी योजना चल रही है और बाकी काफी योजना का क्रियान्वयन भी हो रहा है क्योंकि सही समय पे किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें तो अति मोटी तादाद मिल रही है कि हर घर पक्का मकान बनने की स्थिति में है, काफ़ी काम चल रहे हैं और ये स्थिति है बाजारों में सरिया सीमेंट मिल नहीं रही, हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री आवास बन रही है। ऐसे अनेक योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना हो या कई योजना भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रही है, इसी योजना के माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। 2018 का जो चुनाव था देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है, कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कमी रही, क्या संगठन मजबूत नहीं हो पाया, क्या भारतीय जनता पार्टी रणनीति नहीं बना पाई, या कुछ ऐसे नेता हैं निर्दलीय खड़े हुए उनकी वजह से हारे, क्यों हारे यहाँ का चुनाव? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने काम तो काफी अच्छा किया था लेकिन हो सके कुछ कमियां रहेगी हो, लेकिन वो कमी अब 2023 में नहीं रहने देंगे। अब हम पूरी दम दखम के साथ ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। जिला पंचायत का चुनाव देखा जाए, जिला पंचायत में कांग्रेस जीतगी, नगर पालिका है भाजपा जीती है, बड़ी एक अच्छी खुशी की बात है, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव कैसे देखते हैं, क्या कमी रही, क्या स्थिति बनी? ये स्थानीय चुनाव में ज्यादातर क्या है, कोई ध्यान नहीं देते हैं जो चुनाव लड़ते हैं स्थानीय चुनाव, ये सब अपने आप ही दम पे जीत के आते हैं, जिला जनपद सरपंच वगैरह, इसीलिए थोड़ी बहुत कुछ पार्टी स्तर पे कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा कुछ मेरी ये मानना है। इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी क्यों नहीं की, आप क्या पार्टी के उसमें क्यों नहीं आए कैंडिडेट बन के? हमारा लक्ष्य तो है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय कर देती है वो सर्वमान्य होता है। हमारी पार्टी ने जो दावेदार बनाया हमने उसको वोट दिए और वही दावेदार थे हमारे। आप अपनी आने वाली राजनीति को कैसे समझते हैं? युवा चेहरा है राजगढ़ विधानसभा से, रमेश तिवारी तमाम क्षेत्र में जा रहे, एक ऊर्जावान नेता है, कैसे अपनी आने वाली राजनीति के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारा भविष्य तो है भारतीय जनता पार्टी, हमारा भविष्य है,
हम पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं, सब कुछ हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी माँ है भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम उसी विचारधारा पे काम करते हैं और उन पे हमें विश्वास है। राजगढ़ विधानसभा से अगर भाजपा पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार मानते हैं और क्या स्थिति रहेगी आपकी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे 2023 में उम्मीदवार बनाती है तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, हम पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार से हम पूरी ताकत के साथ लड़के और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। स्थानीय नेता देखा जाए यहाँ पे 3 पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से भी आ गए तो 3 हो गए, वो तीनों दावेदारी करें, अमर सिंह यादव देख लें, हरिचरण तिवारी देख लें, आपके प्रताप मंडलोई, इन नेताओं से आप फिर कैसे टिकट मांगेंगे? बड़े नेता हैं और लग विधायक भी रहे, अनुभव भी हो गया, उम्र भी हो गई, कैसे क्या कहना चाहिए? हमारी पार्टी का ये लंबी बड़ा परिवार हो गया तो सब परिवार के लोग हैं, टिकट मांगना सभी का अधिकार है, जो पार्टी जिसको दे देगी वो सर्वमान्य है, लेकिन हमारी सब अपने अपने स्तर पे तैयार रहती है। 278 मतदान केंद्र राजगढ़ विधानसभा में है, पूरी दमखम से पूरी तैयारी हमारी और उन्हीं के साथ हम जो भी पिछली बार जो कमियां रही वो पूरी करते हुए जो भी कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा उनको 100% जिता के लाएंगे। तमाम वो राजगढ़ विधानसभा के मुद्दे हैं और राजगढ़ विधानसभा के नेताओं को लेकर और राजगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार किस प्रकार से रणनीति बनाएगी, किस कैंडिडेट को लाएगी, ये भी देखना होगा। ये भी युवा है, क्षेत्र में जा भी रहे, एक पकड़ भी है और क्षेत्र में एक नाम भी है, पहचान भी है, युवा भी है। भारतीय जनता पार्टी का इन्हें टिकट देती है तो उस पर भी आपको जानकारी दिखाएंगे, वो किस व्यक्ति को टिकट देती है उस पर भी चर्चा करेंगे। राजधानी समाचार ने विश्वकर्मा की रिपोर्ट, कैमरा मैन हर कुशवाहा के साथ, राजगढ़ मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.